हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माधुरी दीक्षित मैम की इंस्पायर मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करते हैं एंड मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने फेस को वॉश किया है एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया है। उसके बाद मैंने लगाया है टोनर एंड उसके बाद एलोवेरा जेल। एंड अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे आईब्रोज से। सो आईब्रोज को मैं फिल इन करूँगी। आईब्रोज के लिए मैं गाइस ये यूज़ कर रही हूँ, ये एक जेल लाइनर है इन दिस शेड ब्राउन। एंड ब्राउन थोड़ा सा ब्लैकी कलर की है जो अपने आईब्रोज के लिए एकदम परफेक्ट शेड है। आप एकदम ब्लैक शेड नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि माधुरी मैम की जो आईब्रोज है बहुत ही बढ़िया से फिल किया हुआ है, तो मैं भी फिल कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे जो आईब्रोज है ना वो लाइक प्रॉपर ठीक ठाक से नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे थ्रेडिंग नहीं है, प्लस ये उतने ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग करने वाले हैं इसको तो डिफाइन। सो डिफाइन के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर, 2-in-1 कंसीलर है। तो इसका जो ये वाली क्रीम पार्ट है वही मैं यूज करने वाली हूँ। ये वाली जो क्रीम पार्ट है ना ये मैं यूज करने वाली हूँ। देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। ये जो लिक्विड फॉर्म में है वो मैं अप्लाई करूंगी मेरे आई लिड में ताकि आई बेस जो है वो क्रिएट हो जाए। हाथ से मैं ब्लेंड करूंगी। अभी बढ़ते हैं आई मेकअप में। एंड आई मेकअप के लिए मैं जो पैलेट यूज करने वाली हूँ आज वो है ये वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट इन दिस शेड रोज इन द एयर। इसकी रिव्यू मैं अलग से करके रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। आई थिंक आप लोगों को वो थोड़ा सा हेल्प करेगी। ट्रांजिशन शेड के लिए यहाँ पर ये वाली जो शेड है ये शेड पिक करी हुई। यहाँ पर दो ट्रांजिशन शेड है। नॉर्मली मैं मेरे क्रीज में यहाँ पर जो क्रीज है वहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ, नॉर्मल लगा भी रही हूँ एंड ऑल्सो ब्लेंड भी कर रही हूँ। नेचुरली बहुत ही प्रिटी लगता है। ये वाली ट्रांजिशन शेड भी पिक करूंगी एंड सेम जहां पर भी आपने पहले वाला जो ब्लेंड किया था उसको भी उसी तरह ब्लेंड कर लो। अप्लाई करो अनब्लेंड, अप्लाई अनब्लेंड। एक्सरसाइज आपको सारी ब्राउन टोन दिखाई दे रही है तो इसके लिए मैं ये वाली कलर पिक करने वाली हूँ, ये वाली कलर। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा मुझे शिमर शेड दिख रहा है इसलिए मैं ये वाली जो शिमरी शेड है वो मैं पिक कर रही हूँ एंड ऑल्सो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो गाइस ये वाली मेकअप भी मैं फटाक से कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये जेल लाइनर इन द शेड ब्लैक। के मन से मैं एक थिन लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मस्कारा एंड यहाँ पर जो मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ वो है मालियो का मस्कारा। ये तो मस्कारा मैंने अप्लाई किया है लोअर लैश लाइन में मैंने मस्कारा एंड ऑल्सो आई शेडो भी अप्लाई नहीं किया है जो मैं बाद में करूंगी। तो नेक्स्ट माधुरी मैम ने लैशेस पहनी है तो मैं भी लैशेस पहनने वाली हूँ पर इसको मैं ग्लू लगा के भी साइड में रख दूंगी एंड मेरे फेस का जो मेकअप है वो मैं कर लूंगी। यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन इन दिस डेजर्ट बेज बेज डेजर्ट। नेक्स्ट गाइस मुझे कोई भी कंसीलर की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे उतने ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है। तो मैं अभी सेट कर रही हूँ ये लूज पाउडर से जो कि ब्लू हेवन की। माधुरी मैम की जो फेस है वो बहुत ही स्मूथ लग रहा है मेरे को। तो गाइस
मैंने बेकिंग जो है वो मैंने कर लिया है, एंड उसके बाद ये जो कलर है इससे मैं थोड़ा सा वार्म करने वाली हूँ मेरे फेस को, लिटिल बिट मैं ब्रॉन्ज करूंगी। बिकॉज माधुरी मैम की जो फेस है बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है एंड बहुत ही ज्यादा शार्प लग रहा है। गाइस मैं इसको डस्ट ऑफ करने वाली हूँ जो भी पाउडर है एक्स्ट्रा। तो अभी बढ़ जाती है ब्लश के, एंड ब्लश के लिए मैं ये वाली कलर पिक करने वाली हूँ, ये वाली। तो हाइलाइटर के लिए मैं ये वाली शेड पिक करने वाली हूँ, ये वाली लिटिल बिट गाइस, जिसके लिए मैंने ब्रश भी चेंज कर लिया है ताकि थोड़ा सा ही हाईलाइट हो। ज्यादा हाईलाइट मुझे नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। तो गाइस नेक्स्ट मैं ये वाली कलर पिक कर रही हूँ, एंड लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि लोअर लैश लाइन में माधुरी दीक्षित मैम की बहुत ही अच्छे से आई शेडो जो की है वो लगा हुआ है। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के लिए मैं ये वाली हुदा ब्यूटी का ये वाली शेड यूज करने वाली हूँ, एंड ये जो ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है वो यूज करने वाली हूँ, एंड ये वाली जो लिप शेड है ब्यूटीफुल सी उसको क्रिएट करने वाली हूँ। जो कि ग्लॉसनेस है उसको लाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर आयर की लिप बाम। नेक्स्ट मैं गाइस अप्लाई कर रही हूँ लैसेस। गाइस अगर आप लैसेस पहनते हैं ना तो आपका जो लुक है ना वो पूरा टोटली चेंज हो जाता है। तो गाइस इस मेकअप को मैं सेट करने वाली हूँ ये मेकअप फिक्सर से। तो या तो मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं माधुरी मैम ने यहाँ पर ऊपर में एक मेसी बन किया हुआ है, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है एक मेसी बन, एंड एक बिंदी पहना हुआ है रेड कलर की, एंड झुमका जो कि उन्होंने पहनी है, एंड एक नेकलेस। उनके जैसा हेवी नेकलेस तो मेरे पास नहीं है तो मैंने ये वाली नेकलेस पहना है। तो गाइस आई थिंक आपको भी दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस है, देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस है, एंड उसके साथ मैंने ये झुमका वेयर किया है। सेम तो नहीं हो सकता है पर मैंने कोशिश किया है। तो गाइस मैंने अभी अभी नोटिस किया है कि मैंने जो साड़ी का आंचल लिया था वो इस साइड में था पर मैम ने इस साइड में लिया था, तो मैंने चेंज कर लिया है। सो या इज द फाइनल लुक। वीडियो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वेट एंड वाइल्ड पैलेट रिव्यू एंड कैसे आप आईलैशेस पहन सकते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। सो या अब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।